हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं भिन्नों की बात हम कर रहे हैं कि भिन्न क्या है, जो अंश बट्टा हर में लिखा जाता है वो भिन्न है। ये हमने बात किया था कि अंश बट्टा हर। अब भिन्नों की तुलना करने के लिए हमने कल की क्लास में, देखिए, हमने आपको चार तरीके बताए थे, लेकिन चार में जो सबसे अपना आसान तरीका है वो क्या है, वज्र गुणा करने वाला तरीका, कि 3/4 और 5/8, इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो 8 3 24 यहां लिख लेंगे और 5 4 20 गुणा करके यहां लिख देंगे। अब 24 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो इनमें कौन सा बड़ा हो गया, ये 3/4 जो है वो बड़ा हो गया। ये वज्र गुणा करने का हमारा तरीका। अब आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, बड़े क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शांत भिन्न और अशांत भिन्न, आवर्ती, एक तो शांत हो जाता है और दूसरा अशांत रहता है, यानी कि वो चलता ही रहता है, वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहां देखिए, ये वज्र गुणा विधि आपने सीखा कि 1/2 3/4 कौन सा बड़ा है, तो 4 × 4 और 3 × 2 = 6, जाहिर सी बात है कि कौन सा बड़ा है, 3/6 जो है वो बड़ा है। जो भाग वाली जो विधि है, दशमलव वाली, उसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप करने की कोशिश करें। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बड़े क्वेश्चन यदि आ जाते हैं आपके, इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके आ जाएं कि इसमें निम्न भिन्न समूहों में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आरोही क्रम का मतलब क्या है। आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते क्रम में है, कि सबसे पहले छोटी संख्या होगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अब संख्याएं जो है वो चार वही है, समान है संख्याएं। अब हमें क्या है कि ए बी सी डी यहां से चेक करेंगे हम। देखिए, भाग देके आप करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसको हम चेक करते हैं। 16 को 5 से गुणा किया, 16 × 5 यहाँ हमने 80 लिख दिया, 13 × 8 कितना होता है, 104 होता है, ये यहाँ लिख दिया, ये ठीक है, ये 80 यानी कि छोटा फिर बड़ा, यहाँ तक क्रम ठीक चल रहा है। 13 × 12 कितना होता है, 13 × 12 होता है 156, और 16 × 7 होता है 112। तो अब ये देखिए क्या हुआ, 13/16 और 7/12 का यदि हमने तुलना किया तो यहां पर 13/16 जो है वो बड़ा निकल गया, यानी कि 7/12 जो है वो छोटा है, जबकि होना क्या चाहिए था, आरोही क्रम में सजाने के लिए ये 7/12 जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसको हम यही कट कर देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां गुणा करेंगे, 19 को 16 से गुणा करके देखना है आपको, तो 19 को यदि 16 से आप गुणा करते हैं तो 304 पहाड़ा, यदि आपको देखिए आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो गुणा वैसे करके देख लेना, 9 × 6 = 54, 304 हमने लिखा। 24 को 13 से गुणा करना है, 24 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 312, तो ये भी ठीक है, यहां तक तो ठीक आ रहा है। 24 को 13 से गुणा करेंगे 312, 304 फिर 312, यानी कि 19/24 छोटा है, उससे बड़ा 13/16 है। फिर अगला चेक करेंगे, 13/12 वही 156 और 16/7, तो 13/16 से 7/12 जो है यहां पर भी देखिए वही आ गया, वही आ गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ आ रही होगी कि इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनको यहां हम चेक कर सकते हैं। अब सी चेक करते हैं, तो 7 8 कितना हुआ, 7 8 हुआ 56, 12 5 कितना हुआ 60 हुआ, 24 5 कितना हुआ 120 हुआ। अब ये 24 5 भाई 5/8 और 19/24 की तुलना करनी है, कि इन दोनों की हमने 7/12 और 5/8 की तुलना की, तो वो तो बिल्कुल ठीक है कि 7/12 छोटा है, उसके बाद में 5/8 लिखा गया है। 19 और 8, तो 19 8 होता है 126, तो यहां तक भी ठीक है, यहां तक ठीक है, तो अब इस
की तुलना कर लीजिए किसकी, 19/24 और 16/13। यहां पर हमने 19/24 और 16/13 की तुलना की थी हमने, तो 19 को 16 से गुना किया कितना आया, 304 आया, और 16 को 19 से गुना किया 312 आया। तो इसका मतलब क्या, देखिए 56, उसके बाद में 60, फिर 120, 126, 304, 312, यानी कि हमारा ये विकल्प जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे वाला देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना प्रैक्टिस के लिए चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं उसको। तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में भी सजाने के लिए कहता, अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहता तो क्या होता, सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले आता, सबसे बड़ा सबसे पहले आता, उसके बाद, तो ये यानी घटते क्रम में, और ये है बढ़ते क्रम में। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे आपको जनरली क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी पूछी गई है, सबसे छोटी पूछी है, तो 1/3। अब 1/3, 3/5, 7/9, 10/12 और 13/15 सबसे छोटी पूछी है, तो हम क्या करें, दो दो की तुलना कर लें हम, इन दोनों की हम तुलना करें तो 5×5 और 3×3 9, यानी छोटी कौन सी है, छोटी 1/3 है, तो बड़े वाली को छोड़ दो। अब 1/3 और 7/9 की तुलना कर लें तो 9×9 और 7×3 21, इसमें भी जो बड़ी है उसको कट कर दें। अब 1/3 और 10/12 की तुलना कर दें तो 12×12 और 10×3 30, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये बड़ी हो गई, इसको हटा दिया। और 1/3 और 13/15, तो क्या हुआ, 15×15 और 13×3 39, सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटा यही हो गया। लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया था, वो क्या था, वो था कि समान अंतर नियम। यदि समान अंतर नियम, यहां पर अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, यहां कितने का है, 2 का 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 है, और यदि उचित भिन्न है तो जो छोटी है वो छोटी हो जाएगी और जो बड़ी है वो बड़ी रह जाएगी। तो यहां पर सभी में अंतर समान है, यानी कि 2 का अंतर चल रहा है तो जो छोटे वाली है वही छोटी हो गई, और यदि इसमें बड़ी की बात करता तो जो 13/15 जो है वो बड़ी हो जाएगी। यदि हम चेक करना चाहें इसको, चेक कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस के लिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको जो बेसिक बात है वो बता दी जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है कि जो भी आपके पास में बुक है उसके सारे क्वेश्चन ईमानदारी से अपना एक नोटबुक लेके उसमें से एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन सारा कर डालिए उसमें। अब काफी कैंडिडेट पूछते हैं हम कौन सा बुक लें, कौन सी बुक से पेपर सेट होता है। यदि ये हमें पता हो जाए कि कौन सी बुक से पेपर सेट होता है तो हमें क्या आपत्ति है आपको बताने में। तो देखिए, पेपर सेट होता है जो कंपनी जो है वो पेपर सेट करती है, और उसके वो काम होता है जो फोर्स के अधिकारियों की देखरेख में, और जो पुराना पेपर है उसको आधार लेकर। अब इन दोनों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा, अब यहां तो 2 ही है सबसे बड़ा, यानी 2 ही है कि कौन सी बड़ी है, तो क्या करेंगे, कौन सी बड़ी है, 16 को 2 को 16, 16×2 32 और 25×3 75, तो बड़ी कौन सी हो गई, 3/16 जो है वो बड़ी हो गई। ये बात आपको समझ आ गई कि बड़ी छोटी जो है वो वज्र गुणा विधि से हमें कैसे छांटना है। यहां पर देखिए, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आप लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। क्या गलती होती है कि पूछ रहा है बड़ी और छोटी बता दिया, या पूछ रहा है छोटी, तो सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। जब विकल्प साथ में होते हैं, आप लोग विकल्प देखते रहते हैं कि भारत की राजधानी 1912 से पहले कहां थी, एक में लिखा रहता है दिल्ली, ए विकल्प दिल्ली, और आप लोग भारत की राजधानी अब 1912 से पहले कहां थी, 1912 के बाद कहां शिफ्ट हो गई, ये नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ इतना पढ़ा भारत की राजधानी,
तो ये गलती आप लोग करते हैं जल्दबाजी की। यहाँ पे चेक करते हैं यदि इसको वज्र गुणा विधि से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। इनको चेक करते हो, यहाँ क्या पूछा हमें, बड़ी पूछा है, तो हम बड़ी को इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसको रख लेंगे, छोटे वाली को छोड़ देंगे। तो ये अंश और हर को चार दो आठ और पांच एकम पांच। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, दो बट्टा पांच जो है वो बड़ी है, तो उसको हमने रख लिया, उसको छोड़ दिया। अब दो बट्टा पांच और दो बट्टा तीन का यदि तुलना करें तो यहां पर क्या हुआ, देखिए अंश जो है वो दोनों के आगे समान। जब अंश समान आते हैं, कल हमने बताया था आपको कि जब अंश समान आते हैं, हर अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, यहां पर दो तीन छह होगा और पांच दो दस होगा। यदि वो तरीका आप भूल रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिए। यहां पे हमें बड़ी पूछा है, तो बड़ी पूछा है तो क्या होगा, कि जो ये दो बट्टा तीन जो है वो यहां पर बड़ी। अब दो बट्टा तीन और पांच बट्टा छह जो है उसका कर लीजिए, तो छह दो बारह और पांच तीन पंद्रह, तो सबसे बड़ी यहां पर कौन सी आ गई, पांच बट्टा छह जो है वो यहां पर सबसे बड़ी आ जाती। तो आपको क्या पूछा जाए वो ध्यान रखना है, बड़ी पूछा छोटी पूछा, तो ये हमारा तरीका हो गया वज्र गुणा विधि से। अब देखिए जो भिन्न है हमारे, उसको हम वापस आते हैं कि एक तो होता है हमारा शांत भिन्न, भिन्न इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, एक तो देखिए शांत भिन्न और दूसरा अशांत और आवर्ती आवर्ती दशमलव। ये कैसे, जैसे मैंने कहा कि दो में पांच का भाग दिया, दो में पांच का भाग दूंगा, दो में पांच का भाग दूंगा, तो क्या होगा, पॉइंट लगाया और जीरो पांच चार बीस, यानी कि शांत हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन दो में यदि सात का भाग दूंगा, दो में सात का भाग देके देख लीजिए आप, दो में सात का भाग देंगे, ये पॉइंट लिया यहां पे, तो सात दो चौदह, पांच गया छह, सात आठ छप्पन, पांच गया चार, फिर जीरो, सात पांच पैंतीस, फिर बच गया पांच पचास, सात सात उनचास। क्या हो रहा है, आप करते रहेंगे वो चलता ही रहेगा। अब एक अशांत भिन्न, उसमें रिपीट होगा, जो रिपीट होगा उसको कहा है आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव देखिए, जैसे 20 में हम भाग देंगे 6 का, 20 में 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 बच गया कितना, 2 बच गया, फिर 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18, फिर 2 बच गया, 6 3 18, ये तो चलता ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, डॉट 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 हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लग गया। ये बार लगने का मतलब क्या है, कि वो आवर्ती दशमलव, अशांत दशमलव जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होगा कि संख्याएं जो है अलग अलग चलती रहेंगी, और यहां पे क्या हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव। अब अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे हल करना है, उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए ये है हमारा कि 3/11, और आवर्ती और अनावर्ती की पहचान जो है वो कैसे करेंगे हम, शांत दशमलव और अशांत दशमलव जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि 3/11, तो 3/11 यानी कि 3 में यदि 11 का भाग देते हैं आप, 3 में 11 का भाग देते हैं, 0.11 दो कितना हो गया, ये हो गया 22 हो गया, बच गया कितना 8, 80, 11 7 77,
फिर बच गया तीन, 30, 11, 2, 22, फिर बच गया कितना 8, 80, फिर 11, 7, 77, ये चलता ही रहेगा। यानी आपका पेपर पेन खत्म हो जाएगा, आप जितना चाहे उतना करें। तो इसको कहा है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाए। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डॉट डॉट डॉट, या जो रिपीट हो रहा है यानी कि जो बार बार आ रहा है आवर्ती, उसके ऊपर बार लगा के छोड़ दिया। तो इसको ये जो 0.27 और उस पे बार लगा हुआ है, इसको देखिए, यदि आपको ये कहा जाए कि 27, 0.27, इसको दशमलव, ये दशमलव है, इसको साधारण भिन्न में बदलो। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो दशमलव होता है इसके लिए एक और आगे दो जीरो लगा देते हैं, यानी कि 27/100 लिख दिया। लेकिन इसको 27/100 नहीं लिख देना। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ हम करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या है कि पहले पूरी संख्या देखते हैं। यहां पर तो क्या है 0.27, तो 0.27 जो है वो उसमें 2/7 ऐसा कैसा लिख दिया, ये क्या बन गया, उसका अंश बन गया। यानी कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, यदि यहां बार नहीं होता तो कैसे करते कि सिर्फ 7 पर ही बार होता तो कैसे करते, उस पर भी आएंगे। अब 27 और हर बनाने के लिए यहां पे क्या करेंगे, हर बनाने के लिए जो दशमलव के बाद, या यूं कहें कि दशमलव के बाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं उनको देखते हैं, और जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देते हैं। यानी कि ये क्या हो गया 27/99, जितने पर बार लगा हुआ है। तो 2 अक्षरों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख दिया, 3 अक्षरों पे बार लगा होता 3 बार 9 लिख देते, और एक ही अक्षर पे बार लगा होता 1 बार 9 लिख देते और 1 बार 0 लिख देते। वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पे देखिए ये जो है ये फिर 3 से कट रहा है, तो 3 और ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि 9 से कट रहा है, तो 9, 3, 27 और 11, 9, 99, यही जो है 3/11 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या है आवर्ती अशांत दशमलव। यानी एक तो शांत दशमलव के जो एक बार भाग लग गया उसके बाद शांत हो गया, और दूसरा अनावर्ती जो अशांत है, अशांत जो है वो भी 2 प्रकार के हैं। अशांत में एक तो देखिए 0.27, 0.27, 0.27 चल रहा है। अब इसमें आपके एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करते हैं। पहले देखिए आपको कि जैसे ये है अपना, सॉरी, यहां पर क्या है कि अंश जो इसका बनेगा वो क्या होगा कि 27 लिखेंगे, और 27 में से हम जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे, 27 में से 2 घटा देंगे, और नीचे क्या होगा, नीचे दशमलव के बाईं तरफ तो कोई संख्या ही नहीं है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, यदि होता तो उसको हम ले लेते, नीचे उसको छोड़ देंगे, 27-2 हो गया। और अब नीचे क्या करना है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9, तो एक अक्षर पे बार लगा हुआ है 9 ले लिया, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उतना हो गया 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 25/90। अब 25/9 जो है वो आगे कट रहा है, किससे कट रहा है, 18, 5, 5, 25 और 5। 5 में यदि आप 18 का भाग देते हैं, 5 में 18 का भाग हम लगा के देख लेते हैं, 5 में 18 का भाग लगाया तो 0 और 18, 2, 36 बच गया कितना 14, 18, 7 होता है 126, फिर बच गया 14, 18, 7, 126। ये करते रहेंगे आप, पेपर पेन खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो इसको डॉट 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 करने के बजाय क्या किया, जो आवर्ती है यानी रिपीट कौन सा हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा, तो 0.27 रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये लगा दिया, और ये आपको बदलना आ गया।
अब ये देखिए 5.27, तो 5 यहां पर क्या है, दशमलव भिन्न में परिवर्तित करना, ये जो है सॉरी दशमलव नहीं, इसको ये हमारी संख्या है, इसको कहा कि साधारण भिन्न में बदलो। तो साधारण भिन्न में बदलो, यहां क्या करना है हमें कि 527 जो है वो पूरा लिखेंगे। इसको दो प्रकार से हम बदल सकते हैं, एक तो देखिए 5 पूर्णांक है तो 5 हो गया, 5 एज इट इज लिख लिया, 5 पूर्णांक है उसको अलग ले लिया हमने, 5 पूर्णांक है उसको अलग ले लिया, 5 हो गया यहां पे। अब 0.27 और उस पे बार लगा हुआ, तो इसको आप कैसे बदलेंगे, इसको 27/99 लिखेंगे, तो 5 सही 27/99 इसको आप लिख सकते हैं, ये भी आपका उत्तर हो गया। दूसरा 527 लिखा, इसमें से क्या किया, 527 में से 5 जो है वो घटा देंगे, यानी जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा दिया जाएगा। तो 527 में से 5 घटा दिया, ये कितना आ गया, 522 आ गया, 522 हो गया। नीचे क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाईं तरफ क्या था, दशमलव के बाईं तरफ 5 है उसका ध्यान नहीं रखना है, नीचे जितने अक्षर दशमलव के दाहिनी तरफ हैं और जितने पर बार लगा हुआ है उतने 9 रख देंगे, जिसपे बार नहीं है उतने 0 रख देंगे। तो यहाँ तो 2 ही अक्षर हैं, दोनों पे बार लगा हुआ है, तो 522/99 हो गया। अब ये 522/99 क्या ये इसका वैल्यू जो है ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलें तो ये भी क्या 522/99 आता है। तो देखिए यहां हम करते हैं 99 को 5 से गुणा करते हैं, 99 को 5 से गुणा किया तो 495 हो गया, 495 और 27 उसमें जोड़ देते हैं तो ये हो गया 522/99। ये देखिए ये जो है आ गया यही। तो ये है हमारा क्या कि अशांत भिन्न है और उसके बाद में आवर्ती, शांत होता है, शांत हो गया तो वो शांत है, ठीक है। अब ये देखिए 0.57 को साधारण भिन्न में बदलो, कुछ नहीं करना आपको, 57/99 लिख देना है। यदि ये ऐसे होता 7.57 तो इस तरीके से होता तो इसमें क्या करते हैं, 757 में से क्या घटाना था, 757 में से 7 घटाना था तो वो हो जाता 750 और 750/ नीचे क्या होगा हर बनाने के लिए 99 होगा, या इसको आप क्या लिख सकते हो 7 सही 57/99 लिख सकते हो। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते हैं। अब इसमें आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये है वो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो कभी सीजीएल में आया करता था और अब वो सिपाही भर्ती या ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल ड्राइवर ये सब जो होते हैं उसमें आता है कि 1.27 और बार लगा हुआ है को साधारण भिन्न में बदलो। अब आप लोग क्या करते हैं, वहां ए में ही लिखा रहता है 127/ तो आप लोग वो उत्तर कर देते हैं। ये बार जो है ये आपने नहीं समझा, बार वाले का प्लस माइनस भी होता है वो भी आपको सिखाएंगे, और जो शांत निम्न में से कौन सा शांत है कौन सा अशांत है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए क्या किया हमने, ये सॉल्व करके लिख रखा है कि 127 जो है वो पूरा लिखा, 127 पूरा लिखा, जितने पर बार नहीं है तो एक पर बार नहीं है वो घटा दिया जाएगा, 126 हो गया, और नीचे क्या करना है, नीचे करना है 99। अब 99 इसको आप एक जो पूर्णांक है एक पूर्णांक एक इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और 27/99 ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 27 नहीं ऊपर क्या है परी, 99 और 27, ठीक है कि एक पूर्णांक है तो एक हमने लिख लिया, और ये जो है 0.27 इस पे बार लगा हुआ है तो इसका बार हटा के क्या करेंगे 27/99, तो 27/99 और 27 कितना हुआ 126 हुआ, 126/99
ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों भिन्नों की तुलना करना, और उसके बाद में शांत भिन्न अशांत, दशमलव भिन्न अशांत में भी अशांत जो है उसमें आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अब आवर्ती दशमलव क्या है, जो रिपीट होती है संख्याएं। तो ये जो था 2727272727 ये चलता रहेगा। अगली क्लास में आगे हम फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाएंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए उनका, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जो भी आपके पास बुक है उसका पूरी ईमानदारी से आप एक एक क्वेश्चन एक एक इलस्ट्रेशन उसका जो है वो पूरा करें। ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना, तैयारी ऐसी रखना है कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली जाए।